गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन योर मैथ क्लास वी डू एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 to 5। एक्सरसाइज 3.5 से हम क्वेश्चन 1 से 5 तक आपके कराएंगे। आज स्टेटमेंट्स वाले जो सम्स हैं हमारे, वो अब हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा। द कॉस्ट ऑफ ए पेन ड्राइव इज रुपये 455। एक पेन ड्राइव की कॉस्ट है 455। हाउ मच द कॉस्ट ऑफ 35 सच पेन ड्राइव्स। सच मीन्स ऐसी ही 35 पेन ड्राइव्स का कॉस्ट कितनी होगी, हमें ये बताना है। तो इसके लिए हमें अपनी कॉपी में इनको करना होगा। आप जानते हैं, एक्सरसाइज डालोगे, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट इस तरीके से उतारोगे। सॉल्यूशन में क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ ए पेन ड्राइव, एक पेन ड्राइव, ए मीन्स एक पेन ड्राइव की कॉस्ट कितनी हमारी 455 रुपये, और निकालनी कितनी पेन ड्राइव्स की हमें 35 की। कॉस्ट ऑफ 35 पेन ड्राइव्स, 35 पेन ड्राइव्स की कॉस्ट निकालनी है। तो क्या करेंगे, 455 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे कि मैंने आपको सम सिखाए थे 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना, वैसे हम करेंगे। सबसे पहले 5 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर 3 से करके इसको वहाँ लिखेंगे। पहले 5 से करते हैं, चलिए 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी हो गया इधर, 5 5 ज़ा 20 और 2 कैरी के 27, फिर से 2 कैरी इधर, 5 4 ज़ा 20 और 2 कैरी 22 हो गया ये। ये हो गया हमारा 5 से मल्टीप्लाई। अब हमें 3 से करना है। 3 से करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्रॉस का सिंबल पुट कर लेंगे। यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्रॉस का सिंबल हम पुट कर लेंगे। अब 3 की टेबल 5 जा तक, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 और 1 16, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 एंड 1 13। ये हो गया हमारा 3 से मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, ये दोनों नंबर, ये वाला और जो ये वाला प्रोडक्ट हमें मिला है, इनको हम ऐड कर देंगे। 5 में क्रॉस प्लस किया 5, 7 और 5 12, 12 का 2 1 कैरी इधर हो जाएगा, 6 और 2 8 और 1 कैरी का 9, 3 और 2 5 और 1 का 1 हमारा। तो आंसर क्या आया हमारा, 15,925। क्या आया, 15,925 रुपये आएगा बेटा। यहाँ पर कितने हो जाएंगे कॉस्ट उसकी, 15,925 रुपये हमारी उसकी कॉस्ट हो जाएगी 35 पेन ड्राइव्स की। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर 45 मैंगोज ट्रीज इन ए गार्डन। मैंगो ट्री का गार्डन है एक, यानी कि आमों का एक बाग है, उस बाग में 45 मैंगो ट्रीज है, ठीक है। ईच ट्री हैज़ 125 मैंगोज, और प्रत्येक पेड़ पर 125 मैंगो है। एक पेड़ पर कितने मैंगो हैं, 125। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज ऑन ऑल ट्रीज। तो सभी पेड़ों पर टोटल मिलाकर कितने मैंगोज होंगे, कितने आम होंगे, हमें ये बताना है। तो स्टेटमेंट करेंगे हम अपनी, देखिए स्टेटमेंट उतारी। सॉल्यूशन, मैंगो ट्रीज इन ए गार्डन। मैंगो के कितने ट्रीज है गार्डन में, इक्वल में 45। कितने हैं, 45। ईच ट्री हैज़ मैंगोज, प्रत्येक पेड़ पर मैंगोज कितने हैं, 125। टोटल नंबर ऑफ मैंगोज ऑन ऑल ट्रीज, सभी पेड़ों पर टोटल कितने मैंगोज होंगे, ठीक है, ये हमें बता रहा था। तो क्या करेंगे, 125 मल्टीप्लाई 45, 125 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मल्टीप्लीकेशन देखिए, पहले 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 कैरी के प्लस हो गए 12, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, ये आया। अब यहाँ पर 1 क्रॉस करेंगे, फिर 4 की टेबल 5 ज़ा तक,
फोर फाइव ज़ा 20, टू कैरी, फोर टू ज़ा 8 और टू कैरी के 10, वन कैरी इधर, फोर वन ज़ा 4 और वन 5, ये हो गया हमारा 4 से। अब इन दोनों नंबर्स जो हमारे निकाले हमने ये आंसर 5 और 4 की मल्टीप्लाई करके इनको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो ये 5 2 6 5, तो टोटल कितने मैंगोज होंगे हमारे, 5625। कितने मैंगोज होंगे, 5625 मैंगोज होंगे उस गार्डन में टोटल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक कूली अर्न्स रुपए 350 एवरी डे। अर्न मीन्स कमाना, एक कूली हर रोज़ 350 रुपए कमाता है। हाउ मच विल ही अर्न इन 45 डेज, तो वो 45 डेज में कितना अर्न कर लेगा, हमें ये बताना है। तो ये देखो इधर क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट उतारो ऐसे, डेज के बाद क्वेश्चन मार्क है। सॉल्यूशन, एक कूली अर्न्स एवरी डे, कूली कितना अर्न करता है हर रोज़, 350। ही अर्न्स इन 45 डेज, तो 45 डेज में कितना अर्न करेगा ये हमें बताना है। तो 350 मल्टीप्लाई 45 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 350 को 45 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 5 से करेंगे 350 की मल्टीप्लाई, पहले 5 मल्टीप्लाई 0 0, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी हो गया हमारा, 5 3 ज़ा 15 और 2 कैरी के 17, ये हो गया। अब यहाँ पर 1 क्रॉस लगा के, अब 4 0 0, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12 और 2 14। अब इन दोनों को एडिशन कर देना है, 0 5 7 4 और 1 5 और ये 1, तो कितने कमाएगा बेटा वो 45 डेज में, 15,750 रुपीस। 45 डेज में कितने कमाएगा, 15,750 रुपये वो 45 डेज में अर्न कर लेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4। 17 चिल्ड्रन गो टू पिकअप सेल्स, 17 बच्चे जो है सेल्स इकट्ठा करने गए, पिकअप करने गए। सेल्स क्या होते हैं बेटा, आवरण, किसी भी जैसे कोई बीज है उसकी कोई शेल होती है, खोल जो बोलते हैं वो। इच चाइल्ड पिकअप 286 सेल, प्रत्येक बच्चे ने जो है 286 सेल्स पिकअप की। हाउ मैनी सेल्स आर देयर इन ऑल, तो टोटल सेल्स कितनी हैं हमें ये बताना है। इसके लिए क्या करेंगे, स्टेटमेंट उतारने के बाद सॉल्यूशन। चिल्ड्रन गो टू पिकअप सेल्स, कितने बच्चे गए सेल्स पिकअप करने के लिए, 17। इच चाइल्ड पिकअप सेल्स, प्रत्येक बच्चे ने सेल कितनी इकट्ठी की, 286। सेल्स आर देयर इन ऑल, टोटल सेल्स कितनी होंगी, 286 मल्टीप्लाई 17। 286 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से, क्या करेंगे अब हम 17 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 के टेबल तो हमें आती ही है, तो 17 से सीधा कर देंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 17 सिक्स ज़ा 102, 102 का क्या ले लिया हमने, 2, हमारा यहाँ पर 10 कैरी हो गया इधर। 17 एट ज़ा 136 और 10 कैरी के ऐड हो गए 146, तो 6 हमने यहाँ लिख दिया और 14 हमारा इधर कैरी चला गया। अब 17 टू ज़ा 34 और 14 हो गया हमारा 48, तो आंसर क्या आया हमारा, 4862 सेल्स। टोटल सेल्स कितनी है, 4862 सेल्स हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर आर 24 बॉल्स इन ए पैकेट, एक पैकेट में 24 बॉल्स हैं। हाउ मैनी बॉल्स विल बी इन 183 सच पैकेट्स, तो 183 में कितनी बॉल्स हो सकती है, 183 पैकेट्स में कितनी बॉल हो सकती है ये हमें बताना है। तो देखिए देयर स्टेटमेंट उतारेंगे हमें इस तरीके से, फिर सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे है। ये देखिए बॉल्स इन ए पैकेट, वन पैकेट में कितनी बॉल्स हैं, 24। बॉल्स इन
183 packets. 183 packets में कितनी होंगी? 183 multiply 24. 183 को 24 से मल्टीप्लाई करके आंसर हमें निकालना होगा. तो 183 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं. देखिए 4 की टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 3 तक. 4 3 12, 1 कैरी हो गया इधर. 4 8 32 एंड 1 कैरी का 33. 3 कैरी हो गया इधर. 4 1 4 और 3 कैरी के 7 हो गया. यहाँ पर क्रॉस का सिंबल. अब 2 की टेबल 3 तक. 2 3 6, कोई कैरी नहीं गई. 2 8 16, 1 कैरी हो गया इधर. 2 1 2 1 कैरी का 3. अब इनको ऐड कर देंगे. 2 6 और 3 9, 7 और 6 13, 13 का 3 और 1 कैरी हो गया इधर. 3 and 1 4. तो क्या आया आंसर? 4392 बॉल्स. कितनी बॉल्स होंगी? 4392 बॉल्स होंगी. कितने पैकेट्स में? 183 पैकेट्स में. तो ये था क्वेश्चन 1 से 5 तक आपका, जिनको आपको अच्छे से समझ लेना है और आपको अपनी कॉपी में इनको करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.